आज मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी देने जा रही हूँ। अल्सर में क्या होता है, जब स्टमक में हमारे घाव हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ भी खाते पीते हैं तो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में दर्द होता है। तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी है, अगर आप इसको करेंगे तो पेट के जो घाव हैं वो हील होने लगेंगे और धीरे धीरे घाव ठीक होने लगते हैं और अल्सर की बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। ये घाव चाहे छोटी आँत में हो या बड़ी आँत में, इन घावों को भी सुखा देता है, यानी धीरे धीरे इसे हील करके आपके घावों को ठीक कर देता है। तो बहुत ही ईजी और आसान सी विधि है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं, ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनेगा, एक है एलोवेरा और दूसरा है शहद। हनी बहुत इफेक्टिव होता है अल्सर की बीमारी के लिए, घाव को ये हील करता है। तो चलिए बताते हैं कैसे बनेगी। इससे पहले भी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बताते हैं कि ये रेमेडी कैसे तैयार होगी। ये देखिए, हम यहाँ पे लिए फ्रेश एलोवेरा, इसका जूस हम घर में ही बना के तैयार किए हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे जूस आप घर में बना सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है तो आपको हम आगे बताएंगे कि इसका और भी तरीका है, आप रेडीमेड भी किस तरह से ले सकते हैं। तो ये देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं एलोवेरा जूस। अगर आपको घर में बनाना आ गया तो आप कोशिश करिए घर का ही जूस आप बना के करिए। अगर घर के जूस को आप बना के यूज़ करेंगे इस रेमेडी में तो आपको इसे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो भी जूस आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। अगर आपके पास ये लीफ नहीं है, आप नहीं बना सकते, आपके पास टाइम कम है, तो आप मार्केट का भी किसी अच्छे ब्रांड का ही एलोवेरा जूस यूज़ करिए। आप देख रहे हैं लीफ को हमने देखिए इस तरह से कट कर लिया, जो इसमें ऊपर जो येलो पार्ट होता है, यानी जब हम लीफ को तोड़ते हैं ना तो वहाँ पीला जेल निकलता है, उसको आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उसे आप काट के बिल्कुल निकाल दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से लीफ के साइड्स पे जो काटे होते हैं उसको निकाल के इसकी ऊपर वाली लेयर को आपको छील देना है। जब ऊपर की लेयर निकाल देंगे तो आपको जेल दिखाई देगा, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो एलोवेरा जेल होता है। बहुत इफेक्टिव होता है जेल, ये बहुत ही अमृत की तरह है। ये आप बहुत सारे इसके यूजेस हैं। आज हम आपको जूस बनाना बता रहे हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है, जो बीज का जेल है इसे निकाल देना है और मिक्सी के जार में इसको पीस लेना है। इसे पीसेंगे बहुत इफेक्टिव ये जूस बन के तैयार होता है। इसे आप रोज़ सुबह अगर आप खाली पेट इस तरह से ये जो रेमेडी बता रहे हैं आप इसे सुबह पीजिए मॉर्निंग में, और फिर अब इवनिंग में भी जब पेट खाली रहता है ना, खाने के 4 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है, तब आप इसे पीजिए। दिन में 2 बार आप पियेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी जो पेट में आपके अमाशय में, स्टमक में, छोटी आँख में या बड़ी आँख में किसी भी तरह का घाव है, तो उस घाव को ही धीरे धीरे ये भरने लगता है और आपके जो घाव की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, आपकी ठीक हो जाएगी। इससे जो गैस, एसिडिटी बनती है, ये भी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए जेल निकल गया है, बहुत आसान है निकालना। इसे एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिए। तो इसको धुलने के बाद अब देखिए ये बहुत चिकना होता है, आराम से इसको संभाल के इस तरह से धुलते हैं, इसको धुल लेंगे। अब हम इसको देखिए मिक्सी के जार में छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे और इसको हम पीस के दिखाते हैं। तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा कि घर में अगर आपको मिले तो फ्रेश बनाइए, या फिर अगर कहीं फ्रेश एलोवेरा आपको इस तरह जूस मार्केट में मिलता है तो आप उस जूस को भी लेके आ सकते हैं, उसको उससे भी रेमेडी तैयार कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव होता है एलोवेरा। ये देखिए अब हम इसको धुल चुके हैं, अब चलिए इसे हम काट के आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया ही घर में ही जूस बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसको मिक्सी का जार ले लीजिए, इसमें आप छोटे छोटे पीसेस के कट कर दीजिए और बस इस तरह से कट करके डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसको पीसने के लिए, क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है, डायरेक्ट पीसेंगे तो ये इजीली कटता नहीं है, तो थोड़ा सा जब पानी ऐड कर देंगे ना बहुत आसानी से पीस के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम काट दे रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब पानी हमने डाला है, क्योंकि इकट्ठा पानी आप डाल देंगे तब भी पीसने में प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा पानी आप ऐड करेंगे। तो ये देखिए पीस के तैयार हो गया, अब हम आपको दिखा रहे हैं एकदम फ्रेश एलोवेरा जूस ही बन के तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी मिक्स नहीं किया है, बहुत बढ़िया सा हमारा जूस बन के तैयार हुआ है। अभी देखिए हम इसे ग्लास में निकाल ले रहे हैं, फिर हम आपको रेमेडी बना के दिखाएंगे कि कैसे बनानी है आपको ये रेमेडी। आप इस तरह से एक बार में बना के जूस को तैयार करके किसी बॉटल में आप रख लीजिए फ्रिज में, और जब आपको पीना है तो आप उसे आधे से 1 घंटे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि फ्रिज का ठंडा ठंडा आपको यूज़ नहीं करना है। तो अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो उसे 1 घंटे पहले ही आप रेमेडी बनाने के लिए तैयार बाहर निकाल देंगे, जिससे नॉर्मल हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया जूस बन गया। अब चलिए इसे हम रेमेडी बनाते हैं। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर, देखिए बिल्कुल जैसे मार्केट का होता है ना, इसमें छोटे छोटे पीसेस भी थोड़े से रह गए हैं। तो इस तरह से मार्केट में भी जो आता है एलोवेरा जूस ऐसे ही होता है। तो अब चलिए इसकी रेमेडी हम बनाते हैं। देखिए इस तरह से मार्केट का जो एलोवेरा जूस होता है इस तरह से भी यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस तरह से मार्केट का भी ले लीजिएगा, और सेम यही प्रोसेस आपको यूज़ करना है बनाने के लिए। तो ये देखिए अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना।
तो एलोवेरा जूस लेंगे, इसमें हमको ऐड करना है हनी। तो इसकी एक क्वांटिटी होती है इसको बनाने के लिए। तो एलोवेरा जूस को हम लेंगे 4 चम्मच, यानी जितना आप एलोवेरा जूस लेंगे उसका आधा आपको शहद लेना है। तो यहाँ पे 4 चम्मच एलोवेरा जूस ले रहे हैं और 2 चम्मच उसमें शहद ले रहे हैं। इतनी क्वांटिटी में आप एक बार में बना के पियेंगे। ज़्यादा आपको नहीं पीना है कि हेल्दी है तो आप इसे ज़्यादा पीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए। देखिए 4 हो गया, 4 चम्मच ऐड कर दिए। अब इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे हनी, शहद आप बढ़िया सा शहद लीजिए किसी अच्छे ब्रांड का। यहाँ पे देखिए हम लिए हुए हैं शहद। अब इसमें 2 चम्मच हम शहद ऐड करने जा रहे हैं। तो 2 चम्मच शहद और 4 चम्मच एलोवेरा जूस, यही बन गया आपका रेमेडी। बहुत ही ईजी भी है बनाना आप, लेकिन एलोवेरा जूस कोशिश करिएगा घर में ही आप बनाइए। अब इसमें देखिए हम शहद ऐड कर दे रहे हैं। ये हमारा बहुत इफ़ेक्टिव सा ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। और साथ साथ आपको क्या करना है, परहेज बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ये रेमेडी आपको फ़ायदा नहीं करेगी। आपको साथ साथ परहेज करना है, बाहर का तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है। अल्कोहल अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आप उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज कर देता है। अगर अल्सर है तो बहुत ज़्यादा बीमारी को बढ़ा देता है। और आप साथ साथ इस जूस को तो आप पीते हैं, साथ साथ आप कैबेज यानी पत्ता गोभी जो आता है उसमें आप 2 गाजर डाल के, 2 मुट्ठी पत्ता गोभी ले लीजिए, 2 गाजर डाल के उसका जूस भी आप पिया करिए। वो अल्सर की बीमारी के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप इसके साथ साथ उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बन गया हमारी रेमेडी। बस आपको इतनी ही बना के एक बार में सुबह मॉर्निंग में और फिर एक बार में आपको इवनिंग में जब पेट खाली रहता है उस टाइम पे आप पीजिए। एक दिन में 2 बार आप यूज़ करके देखिए, आप 15 दिन में देखेंगे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलने लगेगा। बहुत इफेक्टिव है। और साथ साथ जो हमने परहेज बताया उसको आप ज़रूर करिएगा। अगर आप परहेज भी करेंगे और दवा करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और साथ साथ अल्सर की बीमारी के लिए बेल का शरबत बहुत इफेक्टिव होता है। बेल अगर आपको मिल जाए तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए, किसी भी फॉर्म में यूज़ करिए। बेलगिरी का पाउडर ही ले लीजिए 1 चम्मच सुबह और शाम, आप गुनगुने पानी से खाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर शरबत पीजिए। अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।